हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 10 का वर्कशीट नंबर 9 के साइंस का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं आज न्यू टॉपिक एसिड बेस सॉल्ट्स में। चलो पहले लिखते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अच्छा, शुरू करते हैं। पहले हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट। सो पहला रिएक्शन हम लोग लेते हैं मेटल कार्बोनेट का। सो एग्जाम्पल लेते हैं मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल। मेटल कार्बोनेट का बेस्ट एग्जांपल NaCO3। मेटल कार्बोनेट NaCO3 जो कि एक सॉलिड है प्लस एसिड। एसिड में हम लोग लेते हैं HCl एक्वस मीडियम, ये बनता है सॉल्ट। सोडियम का सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट लाइक NaCl। तो ये बनता है NaCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक गैस होता है, प्लस हाइड्रो वाटर, वाटर जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हुआ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो जब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को नेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं देन इट विल फॉर्म सॉल्ट ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं NaSCO3 जो कि एक सॉलिड है प्लस HCl एसिड एक्वस मीडियम में। व्हेन इट रिएक्ट्स देन इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सोडियम जो कि होगा NaCl एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। सो यहां तक रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट्स कवर अप करते हैं इस दोनों टॉपिक्स के। कुछ पॉइंट्स लाइक ऑब्जर्वेशन ऑफ एवर एबव रिएक्शंस क्या होता है। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें क्या ये इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों एबव दोनों रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पे दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होता है विथ ब्रिस्क इफोवेंस ऑफ गैस, ये CO2 का यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो इस दोनों रिएक्शन का एक बेसिक ये है, कॉमन चीज क्या होता है, CO2 इवॉल्व होता है दोनों रिएक्शन में। ओके, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। ऑन पासिंग गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्सियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज लाइम वाटर, ये लाइम वाटर होता है।
तो हम लोग क्या वो देखते हैं, ऑन पासिंग द गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर दैट इज कैल्सियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, इसका कलर मिल्की कलर हो जाता है बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इन सॉल्यूबल कैल्सियम कार्बोनेट, इन सॉल्यूबल कैल्सियम कार्बोनेट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्सियम कार्बोनेट. तो इसका हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं कैसे ये फॉर्म होता है. व्हेन CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लोग लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं तो ये क्या बनाता है, इनसॉल्युबल CaCO3 प्लस वाटर. ओके, ये CaCO3 जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, दैट्स व्हाई इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की कलर फॉर्म कर देता है उस पूरे सॉल्यूशन में. ओके, तो ये पॉइंट हमने कवर अप कर लिया. बट हम लोग कभी कभी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सेम सॉल्यूशन, जब उसी सॉल्यूशन से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है तो मिल्की अपीयरेंस डिसअपीयर हो जाता है बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कैल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इस केस में क्या हो जाता है, कैल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण मिल्की व्हाइट कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू कलरलेस सॉल्यूशन. ओके, सो इसको हम लोग रिएक्शन देखते हैं. रिएक्शन इसका क्या है, ये रिएक्शन से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. CaCO3 सॉलिड H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है, CO2 गैस बनता है. तो ये फॉर्म कर देता है CaHCO3 होल ट्वाइस जो कि एक्वस होता है. ये दिस सॉल्यूशन, दिस इट टर्न्स मिल्की व्हाइट इनटू कलरलेस सॉल्यूशन, मिल्की व्हाइट इनटू कलरलेस सॉल्यूशन. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंजिंग द कलर, CaSCO3. CaSCO3 क्या होता है, कैल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है जिसके कारण ये मिल्की व्हाइट टर्न्स इनटू कलरलेस सॉल्यूशन. ओके, सो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं. कुछ एक छोटा सा पॉइंट है जो हम बताना चाहेंगे, तो वो पॉइंट्स क्या है, लाइम स्टोन, एग्शेल एंड मार्बल्स, दीज थ्री ये तीनों कंटेन करता है CaCO3. इस तीनों में प्रेजेंट होता है CaCO3. तो इसका एक टाइप से हम लोग केमिकल फॉर्मूला भी जान सकते हैं. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3. तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के. सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट अस रीड दैट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. ये केमिकल रिएक्शन क्या है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है MgCO3 व्हेन रिएक्ट्स विद HCl, देन व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है MgCl2 जो कि एक्वस होगा, MgCl2 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस. इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ पे Mg1, यहाँ पे Mg1, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2, देन इट विल टू से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं. सेकेंड पार्ट क्या कहता है, MgHCO3 होल ट्वाइस प्लस HCl, ये क्या फॉर्म करेगा, MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2. तो यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा देखते हैं हम लोग. यहाँ पे वन कार्बन मल्टीप्लाइड बाई टू कार्बन हो गया. यहाँ पे टू हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन मल्टीप्लाई किया, इससे कितने हो गए, टू
टू फोर हाइड्रोजन, इससे मल्टीप्लाई किया टू हो गया। ये कितने ऑक्सीजन, इधर कितने हुए सिक्स ऑक्सीजन, यहाँ पे टू प्लस फोर सिक्स ऑक्सीजन, नाउ इट्स बैलेंस्ड। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स ट्रू। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, देखते हैं हम लोग कैसे होता है, इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ HCl, व्हाट इट फॉर्म, इट विल फॉर्म CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रहा है जो कि रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है यहाँ पे। सो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, व्हेन इट पासिस थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaCO3 प्लस H2O। ये CaCO3 विच इज इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ दिस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये पूरे सॉल्यूशन को मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट होता है। तीसरा सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या बोलता है, लाइमस्टोन एंड मार्बल्स बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, लास्ट ही टॉपिक में मैंने बताया था कि लाइमस्टोन एंड मार्बल्स बोथ कंटेन, क्या कंटेन करता है, ये दोनों कंटेन करता है CaCO3। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही होता है। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या कहता है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हाँ, तो ये सेकंड का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ओके, सो नाउ हम लोग जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट गैस एंड वन मोर प्रोडक्ट, नेम द गैस एंड द प्रोडक्ट। तो ये हम लोगों सबसे पहले ही डिस्कस किया था, सबसे फर्स्ट जो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसमें हमने क्या पाया था कि बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, उस मेटल के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो पहले हम लोग रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCO3 का। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया नेम द गैस, गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या पूछा गया है, नेम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, वाटर। सो हमको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो अब ऑप्शन चेक करते हैं ये किससे मैच करता है। ए ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी ऑप्शन कहता है हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, सी ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट, डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव। सो तीसरा का ऑप्शन क्या होगा, हमने यहां पे सॉल्यूशन निकाला है तो तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ओके, सो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बढ़ते हैं, ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स लाइक लिमका और कोक सम बबल्स अपीयर्स एंड लेटर इट डिसअपीयर्स ऑल्सो, गिव रीजन ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ बबल्स। तो इसको हम लोग कैसे समझाते हैं ये देखते हैं। लेट्स टेक अ कैन, एक कैन लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये कैन है, ठीक है, ये कैन है, ये किसका कैन है, कोक का एक कैन है। कोक का कैन बनता कैसे, ये काफी हाई प्रेशर में
इस पे काफी हाई प्रेशर पड़ता है जिसके कारण ये इसमें कोक बनता है। ओके सो इसमें कोक बनता है जब हम लोग इसे ओपन करते हैं, यहां से ओपन करते हैं तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इस कोक के इसमें ड्रिंक्स में, कोक ड्रिंक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब हम लोग इसे खोलते हैं तो ये प्रेशर में बना होता है जिसके कारण अगर इसे हम खोलना चाहें तो गैस जो डिजोल्व होता है ऑलरेडी इस ड्रिंक्स में, वो चाहता है कि मैं बाहर निकलूं। दे आर ट्राइंग टू एस्केप, एस्केप एस्केप करने की कोशिश करता है लिक्विड से। तो लिक्विड से एस्केप करने का सबसे बेस्ट तरीका उसके लिए होता है बबल्स फॉर्म करता है। ये सबसे पहले बबल्स फॉर्म करता है, बबल्स फॉर्म करने के साथ ही ये एस्केप कर जाता है। तो जब भी ये पहले तो धीरे धीरे जब हम ओपन करते हैं तो बबल्स फॉर्म होता है। बबल्स फॉर्म होता है क्योंकि CO2 गैस चाहता है कि वो एस्केप हो जाए उस लिक्विड से, गैसेस चाहता है कि उस लिक्विड से हमें एस्केप हो जाना है जिसके कारण बबल्स फॉर्म होता है, बबल फॉर्म होता है और ये बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सारे गैसेस बाहर हो जाते हैं जिसके कारण सारे बबल्स लास्ट में डिसअपियर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं फर्स्ट इट अपीयर्स, बॉटल खोलते ही हमें अपीयर होता है और धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिसअपियर हो जाता है बिकॉज सारे गैसेस उसमें से निकल चुके होते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और आगे जानने के लिए बने रहिए स्किल विजार्ड पे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं आगे की अपडेट जानने के लिए।